और केमिकल काइनेटिक्स का ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, और रेट का मतलब था सिंपल था चेंज अपॉन में टाइम। तो यहाँ केमिस्ट्री में क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और दो तरह का रेट बताया था, एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके अंदर कुछ ज्ञान की बात बताई थी। आज का जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है अपना, उसके अंदर सीखेंगे आज वो रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी गिवन रिएक्शन का कैसे लिखा जा बच्चा लोग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो हमें सिंपल सा रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाना, तो एक लाइन लिखिएगा फॉर ऑल रिएक्टेंट, एक लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक पॉइंट लिख लीजिए बस, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल। हमेशा जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म होगा उसी रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर कई सारे हम दिखाते हैं रिएक्शन कैसे हो सकते हैं। केस वन, मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जहां एक रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट है, इस टाइप का लिखना हमें रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे देखिए, रेट बोला जा या सिंपल सा हम बोल सकते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू ए के साथ जो रिएक्टेंट है विदाउट डिसअपीयर होता है और जो बी है प्रोडक्ट है वो हमेशा अपीयर होगा। तो क्या लिखते हैं, किस तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड डिवाइड बाय देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 और यहां भी कितना है 1, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख बेटा रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता है तो यहां साइन लगाएंगे माइनस, और टाइम के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है लगाओगे साइन प्लस। और लिखो इसे, ओपन करो, तो रेट कैसे लिखते हो, तो डी ए अपान में डी टी, दिस इज द कंसंट्रेशन अपान में टाइम, और आगे साइन लगा दोगे माइनस, दिस इज द डिसअपीयरेंस ऑफ ए विच इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान में चेंज इन टाइम, और आगे साइन लगा दोगे प्लस, दिस इज द अपीयरेंस, दिस इज द एवरेज रेट, या सिंपल सा रेट बोल सकते हैं। अगर इसी रिएक्शन में हमें लिखना होता इंस्टेंटेनियस रेट, क्या लिखना होता बच्चा लोग इंस्टेंटेनियस रेट, तो क्या लगाते हैं डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और साइन क्या लगाते हैं यहां पर प्लस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर? इस टाइप के रिएक्शन के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए केस टू की बात करते हैं, जहां पर केस टू है, टू मोल ऑफ ए गिव वन मोल ऑफ प्रोडक्ट बी, दो से एक बन रहा है, ठीक, खाने का रेट ज्यादा है निकालने का रेट कम है, इस तरह समझिए, दो मोल से एक मोल बनना, इस रिएक्शन का लिखना मुझे रेट। तो यार एवरेज रेट बोल या रेट बोल, बात एक ही है, रेट इक्वल टू क्या बताया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टू पुट द साइन माइनस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक वन एंड पुट द साइन प्लस, दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस एंड दिस प्लस साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस, this negative indicated concentration of reactant decreases with respect to time and plus indicated concentration of b increases with time, is open kar lo beta, to minus da by dt andar le lo isko, aur stoichiometric kitna hai do bahar nikal lo, same cheez iska likho plus db by dt, so this is disappearance and this is the appearance, this is average rate of किसी भी reaction से ऐसे दिखेंगे। क्लियर? एक
एक और समझाते हैं एग्जांपल, लिखो केस थर्ड। केस थर्ड मान लीजिए 3a से 2b बन रहा है, इस टाइप का रिएक्शन का हमें रेट लिखना है। किसी रिएक्शन में दो मोल है, 3 मोल a के हैं, 2 मोल b के हैं, तो रेट लिखो या रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, और आगे साइन लगाओगे माइनस, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक 2, और साइन लगा दोगे आगे प्लस। अब इसे ओपन करो रेट को, स्टाइकोमेट्रिक कितना है 1/3 बाहर ले लो, फिर माइनस dA बाई dt, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इक्वल टू 1/2 प्लस dB बाई dt, दिस इज द प्लस के साथ लिखा है तो ये बेटा अपीयरेंस हो गया। तो ये मेरा रेट आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया इस गिवन रिएक्शन का। d मतलब डिसअपीयरेंस, a मतलब अपीयरेंस ऑफ b। सेम अगर मान लीजिए जनरल फॉर्म किया जाए, जनरल फॉर्म ऑफ ए रिएक्शन, लेट्स कोई जनरल फॉर्म लेके चलते हैं उस रिएक्शन की। मान लीजिए ए बी विल गिव सी एंड डी, ठीक बेटा, ये जो आगे लिखा दिस इज कॉल्ड स्मॉल लेटर में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, दो से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो लिखने का तरीका तो वही है, रेट इज इक्वल टू बता भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक, पुट द साइन माइनस, रेट इज ऑलवेज इक्वल टू, फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक, पुट द साइन माइनस, इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक सी एंड पुट द साइन प्लस, हियर इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक डी, पुट द साइन प्लस। तो देखो ध्यान से, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, एंड दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, एंड दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो ये दो क्या है, डिसअपीयरेंस है, ये दोनों क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। इन दोनों को ओपन कर देगा स्टाइकोमेट्रिक बाहर आ जाएगा 1/a माइनस dA by dt इक्वल टू 1/b माइनस dB by dt इक्वल टू 1/c dC by dt, प्लस के साथ लिख ले, इक्वल टू 1/d dT by ये आ जाएगा प्लस के साथ। तो अगर प्लस के साथ लिखा है रेट बोल, या इसी को एवरेज रेट बोल, या चाहे तो इसी को dA by dt के फॉर्म में लिख दोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन। आओ इसके ऊपर देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे किसी गिवन रिएक्शन का हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर और क्लियर करते हैं इस वीडियो को आगे। चलो आ जाओ, देख बेटा फॉर ए रिएक्शन, लेट्स फॉर रिएक्शन N2+3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, ठीक ना, क्या लिखना हमें, एक्सप्रेशन लिख के दिखाना इस गिवन रिएक्शन का, कैसे लिखा जाएगा बता भाई। चलो लिखा जाए तो सिंपल सा, रेट इज इक्वल टू क्या बोला था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कितना बता 1, रिएक्टेंट तो आगे क्या लगा देगा साइन माइनस, इज इक्वल टू बेटा देख हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है तो गायब होगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन स्टाइकोमेट्रिक कितना बता भाई 3,
और आगे साइन क्या लगा देगा, माइनस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक दो, और साइन लगा देगा प्लस। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए इस गिवन रिएक्शन का हमें रेट दिया होता और पूछा जाता डिटरमाइन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये रेट किसके बराबर कर देते, इसके बराबर, और यहां से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ जाता बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर हमें सवाल देकर रेट देके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलता तो 3 times ऑफ रेट आ जाता। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बोलता तो जो रेट होता वही आ जाता, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन ही आ जाता। या सब रेट बराबर है, तो आपको एग्जाम में हो सकता है रेट ऑफ हाइड्रोजन देके रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बोल, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया पूछ ले, तो क्या करेंगे 2/3 times हो जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोजन का, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। आओ इसे ओपन कर ले, तो रेट इज इक्वल टू बताइए माइनस डी एन टू बाई डी टी, इस प्रकार से लिखते हैं एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू 1/3 डी एच टू बाई डी टी, और आगे साइन क्या लगा देंगे माइनस, इज इक्वल टू 1/2 डी अमोनिया बाई डी टी, डबल ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन डेल्टा टी, और साइन लगा देंगे प्लस। ये आ गया किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए। अगर आपसे पूछा जाता इसी गिवन रिएक्शन में कि आप रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए, तो देखिए ध्यान से 1/1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू माइनस डी एन टू बाई डी टी, रेट के बिल्कुल बराबर आता। लेकिन इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो स्टाइकोमेट्रिक हटा के लिखते बेटा माइनस डी एस टू बाई डी टी, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। सी क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाता अमोनिया का, तो क्या होता माइनस नहीं प्लस डी अमोनिया बाई डी टी आ जाता। तो जब भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछा था तो क्या करना है आपको, स्टाइकोमेट्रिक को रिमूव करके लिखना पड़ेगा, दिस इज द अपीयरेंस ए, दिस इज द डिसअपीयरेंस, नेगेटिव के साथ लिखा, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं वर्ल्ड डिसअपीयरेंस, एंड दिस इज आल्सो द डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। आओ तो कैसे लिखते हैं किसी गिवन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए फॉर रिएक्शन 4 mole अमोनिया कंबाइन विद 5 mole ऑफ O2 टू गिव द 4 mole ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 mole ऑफ वाटर, दिस रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करके लिखा मैंने। If rate of reaction is, इस रिएक्शन का रेट इज 2×10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है आपको, इस रिएक्शन का रेट दे रखा है। देन पूछ रहा है डिटरमाइन करो, पहला पार्ट है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताइए, बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बताइए, सी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बताइए, एंड डी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर बताइए। चलिए ये आ गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है तो क्या करा जाएगा, सबसे पहले जब भी रिएक्शन दिया हो बेटा आपको, तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है उस गिवन रिएक्शन का, आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना। आइए लिखकर दिखाता हूं, ऊपर जो रिएक्शन दे रखा है तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का लिखे एक्सप्रेशन। देखिए ये दे रखा रिएक्शन आपको, गिवन रिएक्शन क्या आ जाए देखिए फिर से, 4 mole ऑफ अमोनिया कंबाइन विथ 5 mole ऑफ O2 कम्बशन हो रहा है इसका, और
फोर मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बेटा, सिक्स मोल वाटर बनना। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसका एक्सप्रेशन, कैसे लिखा था? अब हम डायरेक्ट लिखेंगे रेट, सुनो ध्यान से। स्टोइकोमेट्रिक कितना, 1/4 डी अमोनिया डिवाइड बाय डीटी, और आगे साइन लगाओगे माइनस, इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक 1/5 माइनस डी, चलो कोई दिक्कत नहीं था, डी ओ टू बाई हम एवरेज रेट लिख रहे हैं डीटी, इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक बार प्लस डी एन ओ अपान में डीटी, इक्वल टू 1/6। क्लियर? अब क्या लिखेंगे, डी वाटर अपान में डीटी लिख देंगे प्लस के साथ, ये आ जाएगा आपका। अब देख हमें क्या दिया है इस सेक्शन में, रेट गिवन है, ये रेट, दिस इज द रेट। तो क्या क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया पूछा पहले, तो ये वाला रेट इसके बराबर कर दे पहले पार्ट के लिए, फिर अगले पार्ट के लिए ये वाला रेट इसके बराबर कर दे, फिर अगले के लिए ये वाला इसके बराबर कर दे, फिर अगले के लिए ये वाला रेट इसके बराबर कर दे। देखो ध्यान से, तो 1/1 सॉल्व कर ले भाई। पहला है तो रेट इक्वल टू 1/4 माइनस डी अमोनिया अपान में डीटी, ये है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो निकाल ले माइनस डी अमोनिया डिवाइड बाय डीटी, माइनस के साथ है, 4 टाइम्स ऑफ रेट, 4 रेट कितना दे रखा आपका, 2 × 4 10^-4 8 × 10^-4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सब रेट बराबर हैं तो एक दूसरे के इक्वल कर दे। बी पार्ट के लिए क्या करते हैं बता भाई, रेट ऑलवेज इक्वल टू 1/5 माइनस डी ओ टू बाई डी टी कर लेते हैं। अब ये निकालना है तो माइनस डी ओ टू बाई डी टी इक्वल टू बता 5 टाइम्स ऑफ रेट, 5 रेट अभी भी कितना है 2 × 10^-4 कितना जाएगा, 5 × 2 = 10 10^-4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या आप अगला दो क्वेश्चन ट्राई खुद कर लेंगे, क्या करेंगे ये वाला रेट आप इसके बराबर कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ रेट आ जाएगा, मतलब 4 × 8 आ जाएगा 10^-4। अगर फिर इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला रेट इसके बराबर कर देंगे तो अब रेट क्या आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा, तो 6 × 12 कर लेंगे, 4 × 10^-4 आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं, दीज आर द रेट ऑफ रिएक्शंस। आओ सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर फिर से, हो गया बेटा लोग समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए, चलिए लिखिए जरा क्वेश्चन, एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देते हैं आपको पहले।